के बाहर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। वर्ल्ड कप का आगाज मायूस कुन मगर शिकस्त को भुला कर इंग्लैंड के खिलाफ भरपूर कमबैक करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच विकी आर्थरपुरम कहते हैं बैट्समैनों ने जो तैयारी कराई थी वो पिच पर ना दिखा सके। शॉर्ट पिच बॉलिंग की तैयारी के लिए थी, इंग्लैंड से सीरीज खेली है, उनके खेल को जानते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, सादिकाबाद से आपको खबर देंगे जहां की देही मरकज सेहत में अमले की मुबैना गफलत से दो जुड़वा बच्चे जाम भाग हो गए हैं। जाहिद हुसैन से मजीद जानेंगे। जाहिद हुसैन बताइएगा क्या कहना है अहले खाना का। जी, इस तरह के अहले खाना का यही कहना है कि ये हम भूखे हेल्थ सेंटर में आए और वहाँ पर डिलीवरी केस था, लेकिन अमले ने गफलत बरतते हुए उनको वापस भेज दिया और कहा कि दो माह बाद इनकी डिलीवरी है, लेकिन वो वापसी पर जा रहे थे तो गाड़ी में उन बच्चों की डिलीवरी हो गई और जो बच्चे हैं वापसी सादिकाबाद आते हुए जहाँ बाग हो चुके हैं। और दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि इसकी इंक्वायरी स्टैंड कर दी गई है और जो भी हमला इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। साहिवाल से खबर शामिल करेंगे। अड्डा यूसुफ वाला के करीब ट्रॉलर और मज़ा टकरा गए, हादसे में तीन अफराद जान बहक हो गए। इसी पर मज़ीद जानेंगे। नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, नईम मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अब पिछले कबल अड्डा यूसुफ वाला के करीब ट्रॉलर और मज़ा ट्रक में तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में तीन अफराद जान बहक हुए हैं और मरने वालों का तल्लक जानिया से बताया जा रहा है। हादसे की वजह मज़दा ट्रक ड्राइवर को नींद आना बताई जा रही है। मज़दा ट्रक ड्राइवर अपने आगे जाने वाले ट्रेलर से टकरा गया जिसके बाद ये तीन अफराद मौके पर जहां वक्त हो गए। लाशों को डीएसयू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि लवाकिन को इसकी इतला दे दी गई है। जी नईम शेख बहुत शुक्रिया। और शेखुपुरा के इलाके फारूक आबाद में तारावाला बाजार में मकान की छत गिर गई है और छत गिरने से पाँच मजदूर मलबे तले दब गए हैं। ताहिर मसूद से मजीद जानेंगे। जी ताहिर। जी, फरुखाबाद के मोहल्ला तारावाला में बोसीदा छत की लिपाई करने वाले पांच मजदूर अचानक छत गिर जाने के नतीजे में मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरन कार्रवाई करते हुए इन पांचों मजदूरों को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जहां इनकी हालत कदरे बेहतर है और इनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। यहाँ ये अमर काबिले जिक्र है कि मौसम बरसात की आमद से कबल लोग आजकल अपनी छतों पर लिपाई करा रहे हैं और ये इस मकान का मालिक भी उसने मकान की छत की लिपाई करवा रहा था कि अचानक छत जो है बोशीदा होने की वजह से गिर गई और मजदूर मलबे तले आकर दब गए।